रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मटन करी जब भी हम बनाते हैं तो उसका वो कलर नहीं आ पाता है क्योंकि हम उसमें हल्दी और दही डाल देते हैं, पर हम इसमें हल्दी और दही दोनों का ही यूज करेंगे तब भी हमारा कलर एकदम परफेक्ट रेड आएगा जैसा ऑथेंटिक मटन करी का होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन करी एकदम देसी स्टाइल में, तो रेसिपी को कंप्लीट देखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार में अदरक डाल देंगे, तो दो इस तरह के अदरक के छोटे टुकड़े डाल दिए मैंने और 8 से 10 इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने अदरक लहसुन डाल दिया ग्राइंडिंग जार में और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ढक्कन बंद कर दिया है और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे जब तक ये स्मूद ना हो जाए। और हमारा अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट बनके तैयार हो गया है, इसे हम साइड रखते हैं और इसी तरह से प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को एक ब्लेंडिंग जार में हम रफली चॉप करके डाल देंगे इस तरह से, तो रफली ही चॉप करें इन सारी चीज़ों को क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज डाल दी। अब हम 2 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, तो इसमें हरी मिर्च डाल दें और इसमें टमाटर भी डाल देंगे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे। टमाटर से इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो टमाटर हम ज़रूर डालेंगे। 1 बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम पीस लेते हैं, तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला और इसे अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका भी। और पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, तो मसाले तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, मटन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए आपको 1 घंटा रखना है, तो इस तरह से आप पहले दही डाल दें इसमें, 1/2 कप धो लिया है मैंने मटन को अच्छे से। इसी के साथ हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट 1 छोटा चम्मच, बाकी का जो हमारा पेस्ट है वो हम ग्रेवी में डालेंगे। इसे हम रख देते हैं अभी, तो इसे हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें, आप देख सकते हैं मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, बहुत ज़रा सी हल्दी लें। 1/2 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो इसे मिला लें अच्छे से, हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जो मटन लिया है वो लिया है 600 ग्राम, तो अच्छे से इसे हम मिला देते हैं दही के साथ और इन मसालों के साथ। मटन को कम से कम आप 1 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, आप अगर 2 घंटा छोड़ना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटा भी छोड़ सकते हैं। तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, इसे हम 1 घंटा के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ढककर, तो मटन अच्छे से मैरिनेट होता रहेगा। अब हम मसाला तैयार करेंगे, तो मसाला तैयार करने के लिए कुकर गरम कर लें और इसमें तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे तेल मस्टर्ड ऑयल लिया है 1/4 कप, आप चाहें तो तेल कम भी ले सकते हैं ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हमें इतना तेल डालना ही पड़ता है क्योंकि मसाला तभी अच्छे से भुन पाता है। मस्टर्ड ऑयल में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस करी का, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे मैंने लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, तो इस तरह से खड़े मसाले लिए हैं। इन सबको मैंने गरम तेल में डाल दिया। इसी के साथ हम डाल देंगे इस तरह से चॉप की हुई थोड़ी सी अदरक और 1 बड़े साइज़ की प्याज डाल देंगे, तो इस तरह से अदरक और प्याज डाल दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी ये सारी चीज़ें डालें। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा डार्क कलर आने तक फ्राई करना है, यानी इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, ब्लैक नहीं करना है, बस डार्क ब्राउन आने तक इसे इस तरह से फ्राई कर लें अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई होने लगी है। अभी हम थोड़ा सा डार्क और करेंगे क्योंकि प्याज की वजह से हमारा ये जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, तो जितना भी पेस्ट है वो सारा ही डाल दें इसमें। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो एक बार इसे चला लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए ताकि ये भी भुन जाए क्योंकि इसका कच्चापन निकालना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर किस तरह का आ गया है, इतना ही आपको प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये पेस्ट जो हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का बनाया था, वो इसमें ऐड कर दें। बेसिकली हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है तभी हमारा जो ग्रेवी का कलर और टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट डाल दिया, इसे भी हम भून लेते हैं अच्छे से। अब हमने इसमें ये सारा पेस्ट डाल चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें नमक ज़रूर डालेंगे, उससे क्या होगा हमारा ये जो मसाला है वो जल्दी भुनेगा। तो अभी हम सिर्फ नमक डाल रहे हैं, मसाले बाद में डालेंगे, पहले नमक डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। अभी मसाला इनिशियली भुन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ छोड़ कर पकाएंगे, यानी आप इसे 2 मिनट के लिए बिना चम्मच चलाए ऐसे ही छोड़ दें और इसे 2 मिनट बाद इसमें चम्मच चला लें ताकि वो जले नहीं।
दो मिनट छोड़ने के बाद आप इसे इस तरह से बीच बीच में चला लें और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है टोटली और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इसी स्टेज पर हम इसमें मसाले डालेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका ये जो कलर है बिना मसाले डाले ही इतना अच्छा आ गया है। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। अब हम इसमें दो छोटे चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है जिसमें तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च डालने के बाद आप इसे लगातार चला लें इस तरह से, बस कुछ सेकेंड के लिए इसे मसाले के साथ भून लें। ऐसा करने से क्या होगा, ये भी एक ट्रिक है, इससे आपकी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और बाकी के मसाले हम अब डाल देंगे। तो ये देखिए हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर, और एक बड़ा चम्मच डाल देंगे मीट मसाला, कोई भी ब्रांड का आप एक बड़ा चम्मच मीट मसाला डाल दें। ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं बिना पानी डाले, इसे ऐसे ही आप मसाले के साथ लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लें। बस एक मिनट के लिए आप इसे लगातार चलाते हुए भून लें इस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, इसने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन, तो ये सारा मटन डाल दें। तो ये मटन हम डाल देते हैं इसमें अच्छे से, और मटन डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाला क्योंकि उसमें काफ़ी सारी दही चिपक रही थी बर्तन में, तो उसे रिंस करके आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा ना डाल दें नहीं तो आपको भूनने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब मैंने क्या किया, इसे अच्छे से चला के इसे छोड़ते हुए ढक के पका लेंगे और बीच बीच में इसे का ढक्कन खोलकर हम चला लेंगे ताकि वो जले नहीं। तो इस तरह से दो मिनट के लिए आप ढक दें, फिर चलाएँ इसे इस तरह से और लगातार ये प्रोसेस करते रहें जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे, ड्राई ना हो जाए पूरी तरह से। और मैंने इसे लगातार खोल के पका लिया है, खोल के अच्छे से भून लिया है, जितना आप भून सकते हैं उतना भूने अच्छे से क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। दही हमने इसमें डाल रखी है तो दही का भी अच्छे से एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है सारे मटन में। और आप देख सकते हैं इसका कलर टोटल चेंज हो चुका है, एकदम अच्छा कलर आ गया है जैसा हमें चाहिए। इस स्टेज तक ही आपको भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जब इसका कलर कम्प्लीट चेंज हो जाएगा, सारी दही एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें पानी डालें और इसमें सीटियाँ लगाएँ। बस एंड का काम रह गया है, हमें इसमें पानी डाल के सीटी लगानी है। तो तीन ग्लास मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ध्यान रहे हमने मसाले को भूनते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक हमने डाल दिया। अच्छे से इसे चला लेते हैं। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको गाढ़ी चाहिए पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा ही डालना पड़ता है क्योंकि ये सॉफ्ट होने में टाइम ज़्यादा लेता है, तो सारा पानी तो इसमें वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो पानी पहले से ही थोड़ा ज़्यादा डालें। अब हम इसमें सीटियाँ लगाएंगे ढक्कन को बंद करके, तो ढक्कन अच्छे से लगा दें, तो लीड इसका क्लोज़ करें और इसमें कम से कम अच्छे से आपको 5 से 6 सीटियाँ लगानी है हाई फ्लेम पर। अगर आपका मटन टाइम लेता है सॉफ्ट होने में, डिपेंड करता है, हर जगह अलग अलग होता है, तो आप उसी हिसाब से इसमें सीटियाँ लगाएं। तो यहाँ पे 6 सीटी लग चुकी है। अब मैंने इसका प्रेशर खुद से निकल जाने दिया है, उसके बाद ही ढक्कन खोला है। और आप इसका कलर देखिए, सबसे पहले सबसे अमेजिंग कलर आया है इसका। इस टाइम पे आप चेक करें आपका मटन सॉफ्ट हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो उसमें और सीटियाँ लगाएं। और मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, मटन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, हरा धनिया डालने से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। इसी के साथ हम लास्ट में डालेंगे इसमें गर्म मसाला, तो आधा छोटा चम्मच इसमें गर्म मसाला डाल दें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लें और इसे आप 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसमें धनिया पत्ता का और गरम मसाले का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं और हमारा मटन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जब इसमें धनिया का और गरम मसाला का फ्लेवर आ जाएगा तो आप इसे सर्व कर लें। और यहाँ पे मुझे कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप खुद जज कर सकते हैं इसके कलर को देखकर कि हमारा मटन कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। वैसे भी नॉन वेज को उसके कलर को देखकर ही पहचाना जाता है कि वो कितना टेस्टी हो सकता है। अगर आपको आज की मटन करी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।